हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप में जितेंद्र, और आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, बींग ए ह्यूमन बींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके बारे में बात करूं एंड दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर कर सकूं कि आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए प्रिपेयर रह सकें। दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक क्यों बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर लेता हूँ। पहले तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी 28 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, 50,000 डेथ हो चुकी हैं और 70,000 पॉजिटिव केस डेली मिल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, जल्दी ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख भी क्रॉस करने वाला है डेली का। तो दोस्तों, वैसे भी एक्सपर्ट ये कहना ऐसा है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना, इससे इन्फेक्ट होने वाली है। तो क्यों ना अपने आप को प्रिपेयर किया जाए, एंड ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए और अपने आप को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर रह सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना के इफेक्ट क्या होते हैं नॉर्मली लोगों पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 3 तरह के इफेक्ट देखे जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो होता है वो है फिजिकल इफेक्ट, जिसमें आपको फीवर, ड्राई कफ एंड टायर्डनेस देखने को मिलता है। सेकेंड जो होता है वो होता है मेंटल इफेक्ट, दोस्तों स्ट्रेस, टेंशन, मूड स्विंग्स इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जो है वो है इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जिसमें कि आपका बिग हॉस्पिटल बिल होता है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, बट इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नहीं बात करने वाले, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन का। सोल्यूशन क्या है दोस्तों, कैसे आप इस तीनों इफेक्ट से बच सकते हैं और कोरोना के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं वो हम जानते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फिजिकल इफेक्ट, उसका सोल्यूशन ये है कि दोस्तों नॉर्मली जो बोला जाता है जो फेस पे है, जो मास्क वेयर करिए, हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, बट इससे नहीं चलता है काम। आपको जो है अपना इंटरनली भी थोड़ा सा इम्यून सिस्टम जो है ना वो बूस्टअप करना पड़ेगा, तब जाके ही आप जो है कोरोना से इजीली फाइट कर सकते हैं, अगर आपको कोरोना होता है तो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है वो हम जान लेते हैं। आपको डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करने हैं, ताकि आपको मल्टीविटामिन्स मिलता रहे, और आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो चीज़ बच रहा है डेली इनटेक का वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स से आपको मिल जाए। रेगुलरली एक्सरसाइज आपको करनी है, आप योगा, जिम, वॉक कर सकते हैं, अच्छी नींद लीजिए दोस्तों, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो अच्छा रहे। अगर आप ये करते हैं तो आप ईजिली कोरोना से फाइट कर सकते हैं और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट जो था वो था मेंटल इफेक्ट, बट इसको मैं करने वाला हूँ आखिरी में। पहले जो इससे इम्पॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल इफेक्ट, उसको हम कवर कर लेते हैं, उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को, ये जो इफेक्ट है ना सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है एंड दोस्तों मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है कोरोना कवच पॉलिसी पे जाइए, जो कि सारी चीज़ें, मतलब कोरोना से लेके कोई भी एक्सपेंसेस होता है ना वो कवर करते हैं, तो आपका जो फाइनेंशियल इफेक्ट है ना वो बच सकता है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, जो मैं भी जल्दी से करने वाला हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप कोरोना पॉलिसी लीजिए, पहला तो जो भी कोरोना से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर करते हैं, जैसे पीपी किट होता है, मास्क होता है, ग्लव्स होता है, ये सारी चीज़ का कवर की जाती है। सम एश्योर जो होता है 50 to 5 lakhs तक कवर किया जाता है। डेली कैश का ऑप्शन भी कवर किया जाता है, ये एक ऑप्शनल है। एंड होम ट्रीटमेंट के एक्सपेंस भी कवर होते हैं दोस्तों इस पॉलिसी में। अब हम जान लेते हैं कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में बेसिक डिटेल, ताकि इस पॉलिसी के बारे में आपको आइडिया हो जाए। तो फर्स्ट जो पॉलिसी टाइप है दोस्तों, इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर भी अवेलेबल है इसके अंदर। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है 18 साल से 65 ईयर्स तक कोई बाय करता है, अप टू 5 lakhs का सम एश्योर मिल जाता है। टेन्योर जो है 3.5, 6.5 और 9.5 मंथ का आपको मिल रहा है, कोई भी आप इन दिनों में से आप बाय करते हैं। वेटिंग पीरियड 15 डेज का है। हॉस्पिटल डेली कैश ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा प्रीमियम जो हाई देना पड़ेगा, अप टू 2,500 तक आपको डेली जो है एक्सपेंस दिया जाएगा कैश में। तो दोस्तों, ये तो हो गया, मैंने आपको बेसिक डिटेल के बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया मैंने आपको। अब हम जान लेते हैं इसका कवरेज क्या क्या मिल जाता है दोस्तों। कवरेज में आपको मेनली जो भी ट्रीटमेंट कोरोना के रिगार्डिंग किया हुआ है वो आपको सब मिल जाता है, जिसमें हॉस्पिटल कॉस्ट भी है,
होम केयर ट्रीटमेंट भी है, आयुष ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट तो मतलब अगर आपने कोई आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट किया हुआ है वो भी होता है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कॉस्ट होता है वो भी है दोस्तों, और जैसे कि मैंने बताया कि हॉस्पिटल डेली कैश का बेनिफिट भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये सारे बेनिफिट जो आपको इस पॉलिसी के अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए करोना कवच पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि फंड्स पीआई के थ्रू आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बाय करिए, जिससे कि आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। जो मेन बेनिफिट होते हैं वो है आपको प्राइस जो है कम मिल जाता है सारे बेनिफिट्स के साथ में, और दूसरा होता है नेटवर्क। दोस्तों इसका हॉस्पिटल नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है, एंड इस चीज़ का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और फंड्स पीआई के थ्रू आप अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब जान लेते हैं इस पॉलिसी का कॉस्ट क्या होता है। दोस्तों आपके सामने है प्रीमियम चार्ट, जिससे कि इस पॉलिसी का कॉस्ट का आपको टोटली आइडिया हो जाएगा। तो ये तीन स्लैब में दिया हुआ है, मंथ वाइज 3.5 मंथ, 6.5 मंथ और 9.5 मंथ में, और नीचे अगर आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया के हिसाब से भी प्राइसिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो मैं अपना एग्जाम्पल ले देता हूँ, जो मैं प्लान कर रहा हूँ बाय करने का, तो मैं सेमी श्योर जो प्लान कर रहा हूँ बाय करने का वो है 2.5 लाख, जो कि है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख के हिसाब से मेरे एज जो आता है 30 का है, तो 0 to 45 के बीच में आता हूँ, एंड 9.5 मंथ का प्लान कर रहा हूँ। तो मेरा जो पॉलिसी का जो प्रीमियम आने वाला है वो 1,271 रुपीज़ आने वाला है, अगर इसमें 18% GST लगा दो, क्योंकि ये जो प्राइसिंग है ये एक्सक्लूड है, GST इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया हुआ है, तो मेरा जो अप्रॉक्स जो प्रीमियम आने वाला है ना वो 1,500 के आसपास मेरे को आएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पॉलिसी को अपनी फैमिली के लिए भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फ्लोटर डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, जो कि फर्स्ट मेंबर के लिए नो डिस्काउंट है, सेकंड मेंबर के लिए 20% होता है, थर्ड मेंबर के लिए 30% एंड फोर्थ मेंबर के लिए 40% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। एंड सिंगल सेम एश्योर वैल्यू पे आपको पूरी फैमिली जो है वो सिक्योर्ड हो जाती है। बट अगर आपके घर में बच्चे हैं तभी ये पॉलिसी आप बाय करिए फ्लोटर वाला ऑप्शन के साथ में, अदरवाइज अगर आपके घर में ज़्यादा 18 ईयर्स से ज़्यादा लोग हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इंडिविजुअल पॉलिसी ही बाय करिए। दोस्तों करोना कवच पॉलिसी बाय करना है बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपको जाना है फंड्स पीआई के साइट पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस करोना कवच पॉलिसी जो है वो बाय कर सकते हैं। बेसिक डिटेल भरने होते हैं, ज़्यादा हैवी डिटेल्स नहीं होती है, आपको प्री मेडिकल भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर आपको ब्रोशर और की बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम डिटेल अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आपको डिटेल्स जो हैं मिल सकती हैं, और आप वहाँ से पॉलिसी भी इजीली बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस पॉलिसी की कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है मेंटल इफेक्ट, जिसको मैंने कहा था कि फाइनेंशियल इफेक्ट के बाद में लूँगा। अगर आपकी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है हेल्थ को लेके और फाइनेंशियल को लेके, तो दोस्तों आपको मेंटली हमेशा रिलैक्स रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, बिकॉज अभी वैक्सीन आने का चांसेस भी कम से कम 1 साल तक चांसेस नहीं है, बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं अभी। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप मेंटली फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहिए, अपने आप को फाइट अगेंस्ट कोरोना के लिए रेडी रहिए, क्योंकि जैसा ये कहा गया है 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इफेक्ट होगी वर्ल्ड की, तो ये हो सकता है जिस तरह से डेली केसेस आ रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा इजी है कोरोना से फाइट करने के लिए, आपका प्रिपरेशन जो है वो रहनी चाहिए। अगर आप फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली, खास तौर से फाइनेंशियली अगर प्रिपेयर नहीं है ना, तो आप मेंटली भी रिलैक्स प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोस्तों वैसे तो फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, मगर आप लोगों को मालूम है कि बेड्स भी नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई जो हैं वो आ रहे हैं, कि इसके लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था। बट अब ये टाइम है कि आप प्रिपेयर हो सकते हैं, और एटलीस्ट कम से कम आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके इस टाइम पे, ताकि आप जो है जल्दी से रिकवर हो सकें और टेंशन फ्री लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर सकें। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप लोगों को, जहाँ से आप जो है पॉलिसी बाय कर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको ईजिली आप जो है पॉलिसी बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों, अपने आप को प्लीज़ इस टाइम पे प्रिपेयर रखिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन हो सके, जो लोग भी इस चीज़ से लेके अवेयर नहीं हैं उनको अवेयरनेस मिल सके। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करता हूँ, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।